हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सुबह के बज चुके हैं 8:15। मैं आज निकला हूँ कॉर्नवॉल के लिए। कॉर्नवॉल इंग्लैंड में एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ लोग सैरो तफरी के लिए जाते हैं, अपना छुट्टियों के दिन गुजारने के लिए। हम तकरीबन 4 या 5 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को रास्ते में जो भी हमारे साथ मामलात होंगे वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, और वहाँ पहुँचने के बाद जो कुछ हम वहाँ देखेंगे और जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों से शेयर होता रहेगा रास्ते में साथ साथ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो भी पसंद आएगी, तो देखते रहिए। मुलाकात होती है फिर वहाँ पहुँच के या रास्ते में। पेट्रोल हमने डलवा लिया, टैंक फुल करवा के अब हम अपने सफ़र की तरफ रवान दवा हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सफ़र भी अच्छा लगेगा और वीडियो भी पसंद आएगी, तो दुआ कीजिए क्या कि हम खैर खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। 406 towards N circular. हमारा नेविगेशन सिस्टम है जिसके बिहाफ पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। Prepare to keep left. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है हमें मोटरवे के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो अभी ऑफिस टाइम, स्कूल टाइम, मॉर्निंग टाइम, सारे टाइम एक ही टाइम पे इकट्ठे हुए हुए हैं। और ये हम पहुंच गए हैं लाहौर वापडा टाउन गोल चक्कर। प्लीज मेक अ यू टर्न इन 400 यार्ड्स एंड कंटिन्यू टू फॉलो A10। ये साइड पे गोरों का कब्रिस्तान आ गया। नाउ मेक अ यू टर्न।
पे राउंड अबाउट्स का काफ़ी दफ़ा पता नहीं चलता, और आपने जाना कहीं होता है और टर्न आप कहीं और ले लेते हैं, तो इसकी वजह से आपको दोबारा से वापस आना पड़ता है, जैसा कि अभी हमारे साथ हुआ। और कुछ इसी वजह से भी हमारा सफ़र देर का शिकार हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जब हम एक दफ़ा मोटर पे चढ़ गए तो समझो फिर हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, प्लीज लीव द राउंडअबाउट एट द थर्ड एग्जिट। आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा जब पटड़ी पे चढ़ता है तभी मंजिल पे पहुंचता है। Now turn left. वो देखिए जी, ऊपर पुल के ऊपर जो अंडरग्राउंड ट्रेन है ना, वो ओवरग्राउंड हो गई है। Please keep right in 400 yards and continue to follow A406. Now keep right.
second exit and continue to follow A312. यहाँ से हमारा शायद ट्रैफिक की रवानी को देखते हुए अगला सफ़र का नेक्स्ट हिस्सा शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक कम हो, जिसकी वजह से जल्द अपनी मंजिल पे पहुँच जाएं, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। Please keep right. ये मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि मोटरवे के ऊपर काम हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल मियां साहब लंदन आए हुए हैं, तो उन्हें यहाँ की मोटरवे का भी ठेका दिया जा चुका है, तो वो यहाँ भी जोरों शोर से काम अपना तरक्की का काम करवा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अगर बंदे को काम आता हो तो कहीं भी हो तो काम उसे मिल ही जाता है। तो जब मियाँ साहब पाकिस्तान में होते हैं तो वहाँ भी वो इसी तरह दिल लगा के काम कर रहे होते हैं। अब वो लंदन में हैं तो यहाँ भी वो आराम से नहीं बैठे, अपने इलाज के लिए नहीं आए। उनको यहाँ मोटरवे का ठेका दिया गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आए हैं काम करवाने के लिए। आप लोग क्या समझते हैं कि वो वहाँ अपने करप्शन बचाने के लिए बैठे हैं लंदन में? कोई बीमारी का बहाना नहीं किया उन्होंने, उनको यहाँ पे काम था इसलिए वो यहाँ पे आए। Now keep left. Please keep left in 900 yards towards M20 Heathrow Airport, Terminal 5. Keep left. Please keep right and continue to follow M25 towards M3. और ये अब हम मेरा ख्याल से वाओ, लुक एट द प्लेन। हम एयरपोर्ट के नज़दीक हैं, जिसकी वजह से प्लेन इतने करीब ओवरटेक। ये यहाँ की मोटरवे आ गई, तकरीबन मेन मोटरवे जो लंदन में चलती है, चलती नहीं मतलब यहीं पे ही रहती है, लोग इसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा 3 लेन मोटरवे होती है, यहाँ पे 4 लेन मोटरवे है। गाड़ी चलाना यहाँ पे पाकिस्तान में तो ज़्यादातर आपने यही देखा होगा कि मोटरवे खाली होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक आपको गाड़ी चलाने में भी काफ़ी मुश्किल हो सकती है अगर आप यूज्ड टू नहीं हैं। हाँ जी, हम लोग मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है।
हाँ जी, सफ़र के दौरान कई बातें जहन में आ रही हैं, जिनमें से एक बात ये भी है कि जब हम स्कूल कॉलेज के टाइम में होते हैं तो सारे यार दोस्त प्रोग्राम बनाते हैं जी के आने वाली छुट्टियों में हम लोग मरी का टूर लगाते हैं या नारायण कहान। तो प्रोग्राम बनाए जाते हैं जी, इस दफ़ा हम वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन जब भी टाइम आता है तो कोई ना कोई मसला बन जाता है। कभी किसी यार के पास पैसे नहीं पूरे होते हैं या कभी किसी दोस्त के पास टाइम नहीं होता, उसका कहीं और जाने का प्रोग्राम बन जाता है, कोई किसी और काम में मसरूफ़ हो जाता है। तो इसी तरह मतलब जो हम सोचते हैं उस वक़्त के मुताबिक करने के लिए वो हम नहीं कर पाते ना, लेकिन फिर ज़िंदगी में ऐसा टाइम भी आता है कि जब बंदे के पास टाइम भी होता है और पैसे भी होते हैं, प्राइवेट जेट जैसी एक गाड़ी भी होती है, लेकिन फिर वो यार दोस्त नहीं ना होते साथ।
हाँ जी, तकरीबन 7 घंटे, 6-7 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग कॉर्नवाल की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। अब जहाँ हमने जाना है, कॉर्नवाल का एक, जैसा कि आप कह सकते हैं, उसे एक छोटा सा एक शहर जिसका नाम है न्यूकी, जहाँ हमारा स्टे है, और उसकी तरफ हम अब जा रहे हैं। तकरीबन 3-4 मील का रास्ता रह गया है, बाकी खैर खैरियत से हम लोग पहुंच गए हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हमें लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को सफ़र भी पसंद आया होगा, और इससे आगे भी आपको देखते हैं कि क्या होता है। ये हम समझो कि यहाँ पे मरी रोड पे आ गए हैं हम। रोड बहुत तंग है, आगे दरख्तों के मतलब वॉल्स बनी हुई हैं, तो गाड़ी आते हुए सामने से तो इतना नहीं पता चलता, तो बहुत एहतियात से इस रोड पे आपको ड्राइव करना पड़ता है। देखने में भी जगह तो कुदरती खूबसूरती बहुत अच्छी है यहाँ पे। बाकी जब हम यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, चाय पियेंगे, तो फिर आपको बताएंगे कि कैसा है देखने में और घूमने में कॉर्नवाल। Please leave the roundabout at the first exit onto A3058. Please leave the roundabout at the first exit. Please leave the roundabout at the second exit. हाँ जी, हम लोग पहुंच गए हैं कॉर्नवाल। जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था, जगह तो देखने में बहुत खूबसूरत है, कुदरती खूबसूरती बहुत है यहाँ पे, और उम्मीद है कि आप लोगों ने सफ़र का भी काफ़ी इंजॉय किया होगा।
हाँ जी, हम लोग पहुंच गए हैं खैर खैरियत से अपनी मंजिल पे जहां हमने आना था। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं कॉर्नवॉल की तरफ जा रहा हूं, तो तकरीबन 6-7 घंटे की ड्राइव करने के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल पे खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। अभी हमने यहां पहुंच के खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खा के अब हम बस ऐवें ही थोड़ा सा घूमने के लिए निकले हैं। मौसम काफ़ी प्यारा है यहाँ पे, मतलब बारिश वगैरह हो रही है हल्की हल्की। बाकी इंशाल्लाह अभी तकरीबन थोड़ी देर में तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिन टाइम ही ज़्यादा देखने की जगहें हैं। बाकी आप देख सकते हैं मेरे पीछे समंदर है, इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता। पाकिस्तान में तो एक ही समंदर है जिसे कराची का समंदर कहते हैं, इसे इंग्लैंड का एक हिंजे का समंदर कह सकते हैं आप। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं नई अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।